नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की 12 सूत्री मांग के साथ हड़ताल लगातार जारी है। आलम यह है कि आप कहीं से भी गुजरिए तो नाक पर रुमाल रखने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर कुछ दिन और नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी मांग को जारी रखा तो राजधानी पटना समेत बिहार के सभी शहरी इलाकों का नरक बनना तय है। हर जगह सड़कों पर कचरों का अंबार अब पहाड़ बनने लगा है। हालांकि नगर निकायों की मांग पर प्रशासन सिर्फ आश्वासन से ही काम चला रहा है, लेकिन इस बार कर्मी पीछे हटने के मिजाज में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण राजधानी पटना की सूरत बदल गई है। लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ और बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बुधवार से ही नगर निगम के कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। निगम सफाई कर्मी और कर्मचारी सुबह से ही निगम कार्यालय पहुंच परिसर में धरना पर बैठ गए। नगर निगम कार्यालय में दिन भर ताला लटका रहा। लोगों की समस्या यही रही कि घर में कूड़ा रखेंगे तो दुर्गंध से घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, साथ ही अगर बाहर फेंकेंगे तो उनका चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा। हैरानी इस बात से होती है कि पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता अभियान की बात करते हैं और अब बिहार में फैले कूड़े कुछ और ही दास्तान बयां कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि अनिश्चितकालीन धरना कर रहे निगम कर्मियों की आखिर मांग क्या है। जिन दैनिक कर्मियों की सेवाएं 10 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, उन्हें नियमित किया जाए। अगली मांग ये है कि जब तक दैनिक कर्मियों की सेवा का नियमितीकरण नहीं हो जाता, तब तक इन्हें समान काम का समान वेतन या न्यूनतम 18,000 से 21,000 मासिक वेतन के रूप में भुगतान किया जाए। इसके अलावा सभी नगर निकाय में कार्यकारिणी को समान रूप से 7वां वेतन का लाभ दिया जाए। वहीं सभी निकाय में ESI EPF की सुविधा लागू की जाए और इसे अद्यतन किया जाए। इसके अलावा राज्य के सभी निकायों में समान रूप से ACP MACP लागू की जाए। वहीं कार्य के दौरान जान गंवाने वाले नगर निकाय कर्मी, अस्थायी दैनिक और आउटसोर्सिंग कर्मियों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में न्यूनतम 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। इसके अलावा निगम कर्मियों की मांग है कि मृत कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति अविलंब की जाए और राज्य के सभी नगर निकायों की स्वच्छता बरकरार रखी जाए। उनके संघ प्रतिनिधि के साथ विभाग के स्तर की माहवारी बैठक का आयोजन किया जाए सहित अन्य मांग शामिल है। वेतन की बकाया राशि का अविलंब भुगतान किया जाए। सभी निकायों में समान रूप से पेंशन और आजीवन पारिवारिक पेंशन की सुविधा लागू हो जाए। ये सभी मांगे नगर निकाय कर्मियों की लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि इन सबके बीच हैरान करने वाली बात यह है कि नगर विकास विभाग ने अब तक वार्ता की कोई पहल नहीं की है। लोग घरों से बाहर कचरा फेंकने पर मजबूर है, जिसके कारण 16,000 टन से ज्यादा कूड़ा सड़कों पर जमा है और यह हड़ताल भी ऐसे समय की जा रही है जब बिहार के अस्पतालों में बच्चों में वायरल की शिकायत लगातार आ रही है। अस्पताल दिन प्रतिदिन भरते जा रहे हैं और सरकार का रवैया उदासीन है। बाढ़ और बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव की समस्या है। ऐसे में कूड़े कचरे के कारण पानी और ज्यादा गंदी हो रही है। इतना ही नहीं, नगर निगम कर्मियों की हड़ताल के कारण ब्लीचिंग पाउडर या चूने का छिड़काव तक नहीं किया जा रहा है। इन सब के बीच निगम ने लोगों से अपील की है कि कूड़ा कचरा सड़कों पर ना फेंके बल्कि घरों में ही रखे। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा है कि जल्द से जल्द डोर टू डोर सेवा सुनिश्चित करवाई जाएगी। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार आगे क्या निर्णय लेती है, क्या निगम कर्मी अपनी हड़ताल तोड़ते हैं या इसे जारी रखते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।